हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं छत्रानी आस्था सिंह आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं सब आप सबके लिए कान्हा की एक सुंदर सी कथा लेकर आई हूँ। कथा का नाम है व्रज रज की महिमा। तो चलिए सुनते हैं सुंदर सी कथा। श्री बांके बिहारी लाल की जय। चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। विष्णु जी के ब्रज में कृष्ण रूप में अवतार लेने के बाद जब देवताओं को पता लगी तो सभी बाल कृष्ण की लीला के साक्षी बनने को ललायित हो गए। अब कान्हा का जन्म है, कान्हा की लीला में सम्मिलित होना है तो ललायित होना तो बनता है। उनके भक्तों के लिए तो देवताओं ने ब्रज में कोई ग्वाला, कोई गोपी, कोई गाय, कोई मोर तो कोई तोते के रूप में जन्म लिया। कुछ देवता और ऋषि रह गए। वे सभी ब्रह्मा जी के पास आए और कहने लगे, ब्रह्मदेव, आपने हमें ब्रज में क्यों नहीं भेजा? आप कुछ भी करिए, किसी भी रूप में भेजिए, लेकिन हमें ब्रज तो जाना ही जाना है। ब्रह्मा जी बोले, ब्रज में जितने लोगों को भेजना संभव था उतने लोगों को भेज दिया है। अब ब्रज में कोई भी जगह खाली नहीं बची। तो देवताओं ने अनुरोध किया, प्रभु आप हमें ग्वाले ही बना दें। ब्रह्मा जी बोले, जितने लोगों को बनाना था उतने को बना दिया और ग्वाले नहीं बना सकते। देवता फिर बोले, प्रभु ग्वाले नहीं बना सकते तो हमें बरसाने की गोपी ही बना दें। ब्रह्मा जी बोले, अब गोपियों की जगह खाली नहीं है। देवता बोले, गोपी नहीं बना सकते, ग्वाल नहीं बना सकते तो आप हमें गाय ही बना दें। फिर ब्रह्मा जी बोले, आप गाय भी खूब बना दिया, अकेले नंद बाबा के पास 900,000 गाय हैं, अब और गाय नहीं बना सकते। देवता बोले, प्रभु चलो मोर ही बना दें, नाच नाच कर कान्हा को रिझाया करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, मोर भी खूब बना दिए हैं, इतने मोर बना दिए हैं कि ब्रज में समा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए अलग से मोर कुटी बनानी पड़ी। देवता बोले, तो कोई तोता, मैना, चिड़िया, कबूतर, बंदर कुछ भी बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, वो भी खूब बना दिए हैं, वो पूरे पेड़ भरे हुए हैं पंछियों से। देवता बोले, तो कोई पेड़ पौधा, लता पत्ता बना ही दें। ब्रह्मा जी बोले, पेड़ पौधे लता पत्ता भी बने, इतने बना दिए हैं कि सूर्यदेव मुझसे रुष्ट हैं, उनकी किरणें भी बड़ी कठिनाई से ब्रज की धरती में स्पर्श करती हैं। देवता बोले, प्रभु कोई तो जगह दें, हमें भी ब्रज में भेजिए। ब्रह्मा जी बोले, कोई जगह खाली नहीं है। तब देवताओं ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु अगर हमें कोई जगह अपने लिए ढूंढ के ले आए तो आप हमको ब्रज में भेज देंगे। ब्रह्मा जी बोले, हाँ तुम अपने लिए कोई जगह ढूंढ के ले आओ तो मैं तुम धूल और रेत की कण की तो कोई सीमा नहीं हो सकती, और कुछ नहीं तो बाल कृष्ण लल्ला के चरणों में पड़ने से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमको ब्रज में धूल की रेत ही बना दें। ब्रह्मा जी ने उनकी बात मान ली और योगी योगेश्वर बांके बिहारी लाल भी अपने भक्तों का भाव रखने के लिए जब तक ब्रज में रहे तब तक नंगे पांव ही ब्रज भूमि पर विचरण किया। ब्रज से बाहर जाकर ही पांव में कुछ पहना, इसलिए जब भी ब्रज जाएं तो धूल और रेत से क्षमा मांगकर अपना पैर धरती पर रखें, क्योंकि देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत, प्रेमा भक्त आज भी ब्रज के रज के रूप में वृंदावन में वास करते हैं। अपितु तो बिहारी जी की ब्रज लीला के समय माखन चोर के पांव को छूकर ईश्वर और भक्त के मिलन से जो प्रेम भाव उत्पन्न हुआ, वह भाव प्रेमा भक्त आनंद आज भी ब्रज भूमि में लोट पोट कर और माथे पर ब्रज रज कर लगाकर कर उसी असीम आनंद की प्राप्त होती है। ब्रज रज को सत सत नमन। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे।